हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप कि आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को तुरई के फायदे बताने वाला हूं। तुरई से किस प्रकार से आप अपने उम्र से पहले हुए सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि पेड़ पौधों में औषधि गुण छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। अगर हम पेड़ पौधों की औषधि गुणों को पहचानना सीख जाए तो हमें डॉक्टरों को मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रह करके हम बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पर दोस्तों हम लोगों को आजकल फैशन सी बन गया है डॉक्टरों के पास जाना, उन्हें मोटी रकम देना। वैसे हर किसी की सोच अलग अलग होती है। बहुत से लोग आयुर्वेदिक दवा को करते हैं, आयुर्वेदिक दवा को करना ही उचित समझते हैं, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि मेडिकल में मिलने वाले दवा बाद में चल करके नुकसान पहुंचाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल में मिलने वाले दवा खराब होते हैं, लेकिन काफी हद तक के जो आयुर्वेदिक दवा होते हैं वो भी दोस्तों बीमारी को ठीक कर सकते हैं और बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। तो चलिए जानते हैं, मैं तुरई के फायदा बता रहा हूँ। तुरई का फायदा जो है दोस्तों, हमारे शरीर में भूख बढ़ाती है, हृदय रोग को दूर करती है, सूजन है, गैस है, कृमि है, और सिर के जो घाव है या पुराने घाव है, पेट के क्रिया, बवासीर हैं, ये बहुत सारे बीमारी में सूखी खांसी उसे भी दूर करने का काम करते हैं। हो सकता है जो हमारे वीडियो में देख सकते हैं तुरई, इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे अंग्रेजी में रिजर्ड गुएडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसे संस्कृत में पित्त पुष्पा जालनी के नाम से जानते हैं। कई जगह इसे तुरई या जानही, तुरिया, तुरिन या बीरा कया या घोसा लता के नाम से, कई जगह इसे झींगा भी कहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप कौन से राज्य से हैं और आपके इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमारे आंखों के लिए, मैं बालों को काला किस प्रकार से करता हूँ भी बताऊंगा, लेकिन ये हमारे आंखों के लिए भी सबसे बेस्ट होता है। कड़वी तुरई के बीज को मीठे तेल में घिस करके आंखों पर काजल की भांति लगाने से मोतियाबिंद की बीमारी ठीक हो जाती है, या तुरई के पत्ते को पीस करके इसका रस निकाल करके 1 से 2 बूंद आंखों पर लगाने से आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों जो मैं ये जानकारी बता रहा हूँ ये बालकृष्ण जी ने अपने 1mg.com है उसमें बताए हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये टॉन्सिल को भी दूर करने का काम करता है। जी हाँ, तुरई का फल और पत्तों का काढ़ा बना करके 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से या गरार करने से गले की जो टॉन्सिल होती है वह दूर हो जाती है। यह बवासीर की बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ ये पेट के कृमि को दूर करने का काम करते हैं। मासिक धर्म विकार को भी ना रुके हुए मासिक धर्म को खोलने का काम करते हैं। चले बता देता हूँ, तो 10 से 20 ml तुरई के पत्ते का काढ़ा का सेवन करने से रुके हुए मासिक धर्म की परेशानी ठीक होती है। इससे पेशाब में खून का आना भी बंद हो जाते हैं। गर्भ निरोधक के रूप में भी एक काम करता है। तुरई के चूर्ण में शहद मिलाकर के योनि पर लेप करने से गर्भ नहीं ठहरता। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये किस प्रकार से बालों को काला करने का काम करते हैं। तो दोस्तों आपको तुरई को कई टुकड़ों में बांट लेना है। एक साफ स्वच्छ आपको तुरई लेना है और इसे आपको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेने। इसके बाद मान के चलिए अगर आप 50 ग्राम तुरई को टुकड़े काट करके रखे हैं तो उसमें आपको 300 ग्राम के आसपास नारियल का तेल डाल देनी है और इसे 15 से 20 दिनों तक या 1 सप्ताह तक बंद करके रखनी है। जी हाँ, इसे ढक करके बंद करके रख देने, इसके बाद जो तुरई होता है पूरे नारियल के तेल में मिल जाते हैं और नारियल के तेल को जड़ से काला कर देते हैं, मतलब इसमें जितने भी औषधि गुण छुपा होता है वो नारियल के तेल में मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इस बने हुए तेल को अगर आप प्रतिदिन अपने बालों पर लगाते हैं तो ये बालों को जड़ से काला करने का काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ में पाउडर भी मिला सकते हैं, आंवला का चूर्ण मिला सकते हैं, आंवला का पाउडर मिला सकते हैं। इससे इसका जो प्रभाव होता है 10 गुना तेजी से और भी बढ़ जाता है। तो ये प्राकृतिक तरीके से आपके बालों को काला करता है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आप चाहते हैं कि उम्र से पहले हुए आपके जो सफेद बाल है काला हो जाए तो ये तुरई वाला प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके बालों को जड़ से काला करेंगे, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेंगे दवा बनने में, लेकिन ये जड़ से काला करेंगे और ये केमिकल जैसे नुकसान नहीं पहुंचाते। केमिकल लगाने से बालों में बाल झड़ते हैं, बालों में डेंडा पा जाते हैं, लेकिन इससे किसी भी प्रकार की कोई आपको नुकसान नहीं होगा। बालों को जड़ से काला करेंगे, साथ ही साथ झड़ते हुए बालों को रोकने का काम करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।